साथ जो मैंने इसके साथ मीडिया मोड लिया है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये पड़ा है मुझे 7,000 रुपये का मीडिया मोड। तो हम इसको करते हैं कोकरो में इंस्टॉल और आपको तब दिखाते हैं। इन सभी के लिंक मैं डाल दूँगा, आप परचेज कर सकते हैं। ये मैं दुकान से दोनों परचेज़ किए हैं, मीडिया मोड और कोकरो। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, साथ ही साथ मोटरसाइकिल के लिए ये माउंट ये मैंने वहाँ से ऑनलाइन मंगाया है। इसके साथ बैटरी चार्जर ये मैंने मंगाया है। तो ये सभी के लिंक्स मैं डाल दूँगा। हेलो दोस्तों, वी आर फाइनली अब हम जा रहे हैं कोकरो में। तो हम पहुँच चुके हैं इस्टर का मजा इतना चौड़ा पहुँचते हैं हम पूजा फोटोशॉप पे और आपसे मिलते हैं कुछ जल्दी। दोस्तों अंकल की शॉप में हम पहुंच चुके थे और हमने एक्सपेरिमेंट में वीडियो बनाना बोल चुका हूं मैं। तो गोप्रो ले चुका हूं और अब बस यहां से अंकल की शॉप ये है, आपको मिलेगी चाट वाली गली पे। तो घंटाघर जो चाट वाली गली बगल से निकलती है वहां आपको आना है। अंकल की शॉप का नाम है पूजा फोटोशॉप। तो आपको वहाँ चल जाएंगे, मिल जाएगा गोप्रो आपको अच्छी कीमत पर है। वो मैं आपको जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कितना मुझे पड़ा है इसका। तो निकलता हूँ यहाँ से और मिलते हैं आपसे। तो ये अंकल की शॉप है जो बाहर दिखा रहा हूँ आपको। तो बस अब तो हम यहाँ से रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए, बाहर आ चुके हैं। और ये है चाट वाली गली में से बताया मैंने आपको अभी। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आपको मिलते हैं जल्दी। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें सॉल्यूशन सब कुछ मैंने दे रखा है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और तुम्हारा भाई चलता है घर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे आप। तो यार रात का समय हो चुका है, लाइटें मैंने पूरे कमरे में जला दी है और आज जो मैं आपको लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग गोप्रो की। ऐसे अनबॉक्सिंग मैंने पहले भी कर दी है बट क्या है कि मैं सामान धीरे धीरे मंगा रहा था पूरा, तो मैंने कहा कि अभी नहीं, पूरा प्रॉपर सामान आ जाएगा, ऐसे आ जाएगी, उसके बाद ही मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कैसा है। टेस्टिंग होनी थोड़ी सी गोप्रो की, तो वो भी मैंने की है। तो फाइनली सभी सामान अभी आ चुका है, माउंटिंग बॉय भी आ चुके हैं, कहाँ कहाँ माउंट करना है, जिसकी मैं बाइक में माउंट करना है तो बाइक के लिए माउंट आ चुके हैं और स्टिक्स भी आ चुके हैं मैंने। तो दिखाते हैं आपको। तो पहले करते हैं गोप्रो से स्टार्ट। तो ये भाई हमारा भाई आया है गोप्रो 10 जो आप देख रहे हो, और यहाँ पर गोप्रो का जो प्रोडक्ट है तो मैंने स्टिकर लगा रखा है, वो स्टिकर्स लगा रखे हैं यहाँ पर मैं ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, मैंने चेक कर लिया था गोप्रो का। ये गोप्रो की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पर लिखा हुआ इसमें बॉक्स में। और तो ये है भाई गोप्रो वायु, ये सब स्टिकर सब हैं इसके साथ गोप्रो के, व्हील्स हैं, स्टिकर्स हैं, ये सभी इसमें अंदर रखते हैं आप देख रहे होंगे। चलो फिर हम छोड़ते हैं, पहले हम लगाते हैं आपको गोप्रो। तो भाई ये है गोप्रो 10, मैं गया था गोप्रो 11 लेने बट लिया हमने गोप्रो 10, क्योंकि दुकानदार से मेरे रिव्यूज़ में थे 11 के, तो मुझे बहुत सास लगा, तो मैंने कहा यार बेटर है तो कि पैसे ही बचेंगे थोड़ा मैं गोप्रो 10 ले लेता हूँ इसलिए। तो गोप्रो 10 आ चुका है, इसके साथ साथ मैंने मीडियम मोड भी ले लिया, तो फाइव के पड़ा अच्छा रेट पड़ा तो मीडियम मोड भी ले लिया। दुकान का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और बता भी दूँगा कहाँ पर दुकान पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा सब आ जाएगा आपके लिए। तो ये है गोप्रो, तो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार वीडियो कैसे बनती है, क्या शूट करता है। तो यहाँ पर इसका पावर बटन, यहाँ पर गोप्रो 10 ब्लैक लिखा है, यहाँ पर गोप्रो लिखा है, तो इसे ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, बीप करता है, बीप की आवाज़ आएगी,
और फाइनली ये ऑन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वाइड स्क्रीन, देख रहे हो यहाँ पर, तो ये इसकी स्क्रीन है। तो अभी क्या है कि इसको ले लिया हमने, अभी इसमें जो मोड्स हैं अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि 4K में 30 FPS में वाइड, एक वाइड एंगल में कैसे लेना है आपको, कैसे सुपर व्यू में कैसे लेना है, तो यहाँ पर सब एक्टिविटी आप वो कर सकते हो जिसमें आपको शूट करना है। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ शूट करता हूँ इससे 4K 30 FPS में करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा कमरा है और तो 4K 30 FPS में शूट कर रहा हूँ इस टाइम। ये मेरा कमरा है और ये देखिएगा, तो 4K 30 FPS में मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे, और ये देखिए क्या स्क्रीन है। स्टेबलाइजेशन के मामले में एक नंबर है। से बैटल है स्क्रीन सब कुछ है। आगे आगे जो वीडियो आएंगी मेरी वो सब इससे शूट होंगी। तो ये तो हो गया हमारा GoPro। साथ ही साथ जो मैंने इसके साथ मीडिया मोड लिया है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये पड़ा है मुझे 7,000 रुपये का मीडिया मोड। तो हम इसको करते हैं GoPro में इंस्टॉल और आपको सब दिखाते हैं। दोस्तों GoPro मीडिया मोड इंस्टॉल कर रहे हैं, दिखा देता हूँ कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मैं डाल दूँगा अभी सर। तो ये मीडिया मोड है, ये हमारा GoPro। तो हमें साइड से इसकी बैटरी की साइड से इसका ये ढक्कन यहाँ से निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ऑन कर लेते हैं GoPro को ऊपर और वो थी बीप करता है। तो यहाँ से इसको बटन खींचना भी करते और फिर डाउन करके क्रॉस कर देना है, यहाँ से हटा देना। फिर और हमारे यहाँ का इसमें भी सेम यही करना है, ऊपर को अपनी तरफ खींचना और फिर इसको रिमूव कर देना है। अब देखिए अब GoPro हम लगाते हैं इसमें, ये पे इस साइड। तो मैं करता हूँ इसको स्टोर, जैसे लगेगा कट के बाद देगा आपको। तो हमारा मीडिया मोड है प्रॉपर GoPro में स्टोर हो चुका है। साथ ही साथ मैंने दोस्तों एक स्टिक्स भी मंगा रखी है, तो स्टिक्स का लिंक्स, इन सभी के लिंक्स मैं डाल दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं। ये मैं दुकान से दोनों परचेज किए हैं, मीडिया मोड और GoPro, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल के लिए ये माउंट, ये मैंने वहाँ से ऑनलाइन मंगाया है। साथ बैटरी चार्जर ये मैंने मंगाया है, तो ये सभी के लिंक्स मैं डाल दूंगा, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अमेजोन से मंगाया है मैंने तीनों चीज़ें। तो इसे करते हैं ऑन, दोस्तों ये मेरा हो गया स्टोर प्रॉपर। और साथ ही साथ में देखना चाहूँगा कि जब भी हम मीडिया बोर्ड में हम इसको स्टोर करते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्रीन लाइट जलती है यहाँ पर साइड नीचे, ये आप देख सकते हैं, तो ये ग्रीन लाइट जलती है। तो हमारा जो प्रॉपर हमारा मीडिया मोड इंस्टॉल हो चुका है। आज सर हम इसमें जो फीचर्स मिलते हैं हमें अब यहाँ पर ऐड कर सकते हो, दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ये लगा गया सी टाइप के लिए, तो चार्ज करने के बैटरी चार्ज करनी है आपको। फिर ये आगे माइक के लिए हमारा, हम गाड़ी में चला रहे हैं तो हम माइक लगा सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा, गाड़ी से माइक पैसे हम माइक दे रखा है ऑलरेडी तो गाड़ी के लिए, बट अगर आपको हेलमेट के अंदर लगाना है शीशा जब क्लोज होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उस टाइम पर आपको एक अच्छे माइक खरीदना पड़ेगा। अभी मेरा माइक ऐड है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा माइक जो मैंने लगा रखा है। तो इन सबके लिंक्स मैं दे दूँगा आपको। तो फाइनली अभी से रिकॉर्डिंग चल रही है, तो दिखाता हूँ आपको, ये रिकॉर्ड कर रहा है इस टाइप पे।
सारे ऑन कर देते हैं और वॉइस की, तो ये देखिएगा 4K 30 FPS में बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है और स्टेबलाइजेशन भी एक नंबर है। मैं कोई घुमाओ कितना भी घुमाओ एकदम नहीं होगा कि एक दूसरे हिल जाएगा, जैसे फोन हिल जाता है ऐसा नहीं रहेगा, तो प्रॉपर एक स्टेबलाइजेशन है। आप शूट करोगे तो अपने वीडियो प्रॉपर आप कर सकते हो, तो आप देख ही रहे होंगे जैसे चल रहा है। तो मैं अभी इसमें एक चीज़ और लगा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ जो मैंने मंगाई थी अभी स्पेशली इसलिए, ये है स्टिक्स, तो हम इसको ऐड करते हैं। ये हम डालते लगाते हैं दो दो, तो फाइनली हमारा जो गोप्रो है वो इंस्टॉल हो चुका है स्टिक्स में, आप देख रहे होंगे। तो ये स्टिक्स की खासियत है कि आप ऐसे भी अगर आपको बुक करना है शूट कर रहे हो या फिर आपको बैन का भी करानी है तो आप बैन करा भी सकते हो, इसकी खोल ले सकते हो उसको, आप देख रहे हो साथ में। तो ये फैसिलिटी भी इसमें स्टिक्स में है, और साथ ही साथ अगर आपको टाइमलेस बनाना है उस चीज़ के लिए इसमें स्टिक्स में लिस्ट दिया गया है, आप इस चीज़ को प्रॉपर खड़ा भी कर सकते हो। प्रॉपर आप देख रहे होंगे इस स्टिक में खड़ा भी हो सकता है, स्टिक्स में टाइमलेस इजी बन जाएगा आपको। और आपको टाइम दिखा देता हूँ, आपकी तरफ से दिखाएगा आप लोगों के देखेंगे प्रॉपर एक टाइमलेस, तो आप इसमें आवेशन बना सकते हो इजीली। तो इसके ये फायदे हैं, तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, आप अपना रिव्यू दे दीजिएगा इसमें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्री में सफ़र को, और फ्री में सफ़र में तब आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। अभी हम आगे भी जो शूट करेंगे वो भी आपको दिखाते रहेंगे, तो सर्दी आ चुकी है धीरे धीरे, हम आपको जगह के बारे में बताते रहेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और तैयारी भी बनाए रखिए। मैं आगे भी आपको GoPro के बारे में बताता हूँ क्या स्पेशल है क्या इसका ये है, तो हवाई दोस्तों और इन्जॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए और बस, तो मिलते हैं आगे आपसे।